हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज का ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बिफोर बेबी कमिंग हम लोग बेबी के लिए शॉपिंग करने वाले हैं। तो आज चलिए हमारे साथ बने रहिए और शॉपिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए, ये शॉपिंग का जो वीडियो है मैं पहले ही शूट कर ली थी। तो अभी आप सभी को पता ही है कि मेरा बेबी आ चुका है, तो उसमें रिकवरी में एक मंथ हमने टाइम लिया। अभी जस्ट थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अभी जस्ट ये करके और डाल रही हूँ ये शॉपिंग वाला वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और इन्जॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और शॉपिंग करते हैं। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, अभी जस्ट डोर लॉक कर रहे हैं। अभी जाएंगे नीचे गैराज में और गैराज से फिर सीधे बाहर शॉपिंग मॉल की तरफ। देखते हैं कहाँ पे अच्छा क्रीप मिलता है और जैसा हम लोग को चाहिए वहाँ कहाँ दिखता है। दो तीन शॉपिंग मॉल ऐसा चेकलिस्ट करे हुए हैं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ, पहले भी एक दो बार देखे थे तो वहाँ जाने वाले हैं। अभी यहाँ पे पीछे मेरा बेटा जो है वो शॉपिंग मॉल जाने के लिए एक्साइटेड है। उसे लगता है शॉपिंग मॉल से ही बेबी आता है, इसके लिए वो ऐसा बार बार बातें बना रहा है कि जाएंगे शॉपिंग मॉल और वहाँ से बेबी को लेके आएंगे। हम लोगों ने उसे बताया कि बेबी क्रिप लेने जा रहे हैं तो उसे लगता है बेबी को ही लाएंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे, सबसे पहले गाड़ी को ऐसा पेट्रोल फुल करवाना है और वहाँ पे अभी जाएंगे। Where are we going, Surya? We are going to Costco. Costco? How do you know that? Is it a Costco? No, that is a gas station. Gas station Costco. That's. तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कॉस्टको का, यहाँ पे गैस स्टेशन के पास। तो ऐसे तो बहुत जगह मिलता है गैस स्टेशन, बट कॉस्टको का हम लोग के पास कार्ड है। यहाँ पे कार्ड बनवाने पे थोड़ा सा सभी जगह से थोड़ा सा कुछ सेंट या ऐसा डिस्काउंट रहता है पेट्रोल। इसके लिए हम लोग हमेशा यहाँ से ही पेट्रोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ का ऐसा मेंबर है हम लोग। जो भी मेंबर बनता है उसको ऐसा थोड़ा सा डिस्काउंट पे ये लोग पेट्रोल देते हैं, तो यहाँ से ही हमेशा रहता है। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं टारगेट में। अभी टारगेट में अंदर जाएंगे और यहाँ फटाफट देखेंगे, पसंद आता है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे। तो यहाँ पे अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। अभी इंटर करे हैं, अभी जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ किचन का भी थोड़ा बहुत सामान लेना था तो वो ले लिए हैं, और थोड़ा सा डेकोरेशन का देख रहे थे बट लिए नहीं। और अभी जाते हैं बेबी का सेक्शन में, जहाँ से जो हमको देखना है क्रीप और क्रेडल, तो वहाँ पे जाएंगे। अभी जस्ट बेबी वाले सेक्शन में इंटर करे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ। और स्टॉलर और कार सीट मैं इस बार नहीं ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला बेटा वाला अभी है, वो रखी थी और अभी वही न्यू ही है, जस्ट यूज हुआ एक बार और ऐसे ही रखा है। कार सीट और स्टॉलर दोनों है, तो इस बार उसका
पैसा जो है वो बच गया है, तो वो दोनों सेम ही यूज होने वाले हैं, तो स्टॉलर और कार सीट लेने का इस बार ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं क्रीप वाले सेक्शन में, और यहाँ पे बाथटब वगैरह भी लेना है। तो ये अगर टाइम मिलता है आज तो सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, अभी मिलता है टाइम तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो अगर लेट होते रहेगा तो चलेंगे दूसरे जगह। अगर यहाँ पे क्रीप पसंद आ जाएगा तो यहाँ से ही बाथटब वगैरह ले लेंगे, बट यहाँ पे कुछ एक ऐसा डिज़ाइन का है क्रीप जो कि ये वाली उतना पसंद नहीं आया। हम लोग को चाहिए 2-3 कंफर्ट में, जो कि ऐसा अभी से लेके फिर उसको बाद में हम बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसा वाला चाहिए। सिर्फ नॉर्मली अभी यूज करेंगे क्रीप, फिर 2-3 साल का होगा तो उसको ऐसा चेंज कर सकते हैं, फिर उसको बाद में बेड की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि 10-12 साल तक वो चले, फिर नया नहीं ख़रीदना पड़े बेड। तो यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं, कुछ ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा है। एक दो डिज़ाइन अच्छा लगा था, बट अभी देखते हैं, एक दो जगह और जाएंगे। यहाँ पे ये क्रैडल है, क्रैडल भी कुछ यहाँ पे उतना अच्छा डिज़ाइन का दिख नहीं रहा है जैसा हम लोग को चाहिए क्रैडल एंसिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा डिज़ाइन का है, 2-3 डिज़ाइन का है, तो देखते हैं और कौन सा पसंद आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ स्वेडल वगैरह देखना है बच्चे का, और एक पतला सा ब्लैंकेट लेना है। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, अभी देख के और लेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभी और देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो ले लेते हैं, वो भी दिखाऊंगी, और नहीं तो अभी देखते हैं, एक दो दुकान और जाऊंगी और फिर उसके बाद फाइनल करूंगी। व्हाट आर वी गोइंग टू बाय बेटा फ्रॉम वॉलमार्ट एंड टारगेट? वी नीड टू बाय वी गोइंग टू बाय मेक अ डेट विद माय सिस्टर एंड पुट आवर बेबी एंड पुट इट इन द हां आर यू गोइंग टू बाय सिस्टर एंड ब्रदर एंड बेबी या फ्रॉम वॉलमार्ट तो अभी आ गए हैं दूसरे दुकान में, यहाँ शॉपिंग मॉल में, दूसरे वॉलमार्ट में आए हैं। अभी जस्ट वॉलमार्ट में आके इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करना है बिकॉज़ अभी कोविड चल रहा है इसके लिए थोड़ा। और यहाँ पे जस्ट अभी इंटर करे हैं, और यहाँ देखेंगे क्रीप एंड क्रैडल, वहाँ से अभी फाइनल नहीं करे हैं, एक दो पसंद आया था बट अभी जस्ट यहाँ आए हैं देखने की, अगर उससे अच्छा और अच्छे दाम में अगर यहाँ मिल जाता है अच्छे प्राइस में तो यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो फिर वहाँ जाके और सिर्फ बुक करना रहेगा और ऐसा ऑर्डर कर देंगे, वहाँ से फिर घर में छोड़ देंगे, नहीं तो अगर कार में आता है तो कार में ही हम लोग ऐसा लोड करके ले जाएंगे। अगर कार में नहीं आएगा, बड़ा रहेगा बॉक्स उसका, तो फिर उसको घर में डिलीवरी का ये करवाना पड़ेगा, घर में करवाना पड़ेगा। तो अभी जस्ट वॉलमार्ट में आ चुके हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ सामान वगैरह देखे, और अभी बेबी वाला सेक्शन में जस्ट इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी देखते हैं बेबी का आइटम जो कि लेने आए हैं। तो यहाँ पे ये पहले क्रैडल देख रहे हैं, क्योंकि दो क्रीप वहाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो इसके लिए यहाँ पे क्रैडल, वहाँ पे हम लोग को एक भी अच्छा नहीं लगा, इसके लिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्रैडल देख रहे हैं कि अच्छा रहे तो फाइनल कर दूँगी। और यहाँ पे अभी क्रैडल जो है थोड़ा बहुत इधर कपड़ा देख रहे हैं, शूज़ वगैरह और कपड़े थोड़े बहुत देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा कुछ तो ले लूँगी, नहीं तो बाद में लेंगे फिर। और यहाँ पे कुछ ऐसा ये सब चेयर वगैरह तो बाद में लेंगे, अभी जस्ट
बेबी के पहले का शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, जो कि एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेबी आए घर में तो रहना चाहिए। से क्रिब और क्रैडल ये सब चलेगा, मतलब पहले रहना ज़रूरी है। कपड़े वगैरह बाद में भी लेंगे, क्योंकि मेरा पहला बेटा वाला कपड़ा है अभी, और इस बार हम लोगों ने सरप्राइज़ रखा है तो कपड़ा ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाद में जब एक बार बेबी आ जाए तो फिर उसी अनुसार कपड़ा ले सकते हैं। और अभी जस्ट ऐसा बड़ा बेटा वाला है, कुछ भी होगा तो एक दो दिन तो उसका कपड़ा पहनेगा ही। तो हम लोगों ने ये वाले जो क्रैडल एंड स्विंग है, ये वाले फिशर प्राइस का हम लोगों ने फाइनल कर लिया कि वो वाला लेंगे, और वो ले चुके हैं, मतलब हो गया फाइनल कि वो लेंगे। और यहाँ पे कुछ ये लेना है, बाथ का लेना है सामान थोड़ा बहुत, और बाथ टब वगैरह फाइनल करना है कौन सा लूँ। और यहाँ पे एक दो तीन अच्छे लगेंगे अगर तो फाइनल कर लेंगे, नहीं तो हम अमेज़ॉन पे एक दो दिन पहले ऐसा एक दो देखे थे जो अच्छा लगा था और अच्छे प्राइस में था, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से भी ले सकती हूँ ऑनलाइन अगर देखती हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा भी कॉस्टली रहेगा, वही ब्रांड और वही बाटव रहेगा तो नहीं लूँगी, ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। यहाँ पे जस्ट इमरजेंसी के लिए, हॉस्पिटल बैग के लिए कुछ वाइप्स और डाइपर अभी ले रहे हैं, फिर बाद में और लेंगे। और अभी यहाँ पे जस्ट पैक करने वाले हैं हॉस्पिटल बैग, तो उसमें वाइप और डाइपर रखेंगे, तो इसके लिए सब फटाफट छोटा वाला आइटम अभी ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे अभी बाथटब देख रहे हैं, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है जो कि बच्चे के लिए कम्फर्ट हो तो ऐसा चलेगा। बच्चे के लिए जो भी कंफर्ट रहता है अच्छा रहता, थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा रहता है तो चलता है, अगर अच्छा है भी नहीं प्राइस भी ज़्यादा रहता है तो ऐसा फाइनल नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी हम दो तीन देख के रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग डिज़ाइन का है, ये छोटे वाले जो रहते हैं ऐसा किचन में सिंक के साथ रख के उसको ऐसा ये कर सकते हैं, बच्चे को नहला सकते। ये चेयर वाले तो बड़े बच्चे के लिए है, आई थिंक जब बच्चे बैठने लगेंगे तभी वो वाली काम आएगा। यहाँ पे कुछ फीडिंग जो पीलो आता है वो देख रही हूँ, कि बच्चे को जो फीड कराने वाला पीलो होता है, और इस पर ऐसा टमी टाइम भी दे सकते हैं, बॉपी है। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अच्छा मेरे को अमेज़ॉन पे मैं शॉपिंग कार्ट में डाल के रखी हूँ, मेरे को अच्छा यही प्राइस में और अच्छा मिल रहा है, तो आई थिंक वो वाले सामान मैं ऑर्डर ही करूँगी। और यहाँ से ये नहीं ली हूँ ना फीडिंग वाले पीलो, अभी कुछ थोड़ा बहुत सब्जी यहाँ पे लेना है तो अभी ले रही हूँ। यहाँ से हम लोगों ने क्रीप नहीं ख़रीदा, सिर्फ क्रैडल ख़रीदा, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही बात का सामान ख़रीदा, और अभी सब्जी वगैरह लेके और सीधे घर के लिए निकलेंगे। देखते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करते हैं, और उसके बाद फिर एक जगह और फाइनल करेंगे, आज ही जाएंगे क्रिप वगैरह भी बुक कर देंगे, नहीं तो दूसरे दिन देखते हैं। तो आज अभी यहाँ का वॉलमार्ट का शॉपिंग ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अभी जस्ट बिल करवाएंगे और निकल रहे हैं। तो यहाँ पे निकलते निकलते देखिए थोड़ा थोड़ा स्नो होने लगा है, यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए अभी ज़्यादा ऐसा ज़्यादा नहीं हो रहा है स्नो, बस थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग वॉक कर रहे हैं मज़े से, और इतना स्नो, इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो मज़ा ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पे बेचारा शॉपिंग कार्ट जो है वो बर्फ़ से घिरा हुआ, पता नहीं इधर कौन इसको छोड़ा, तो हम लोगों ने सोचा इसका थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं कि बेचारे को स्नो के बीच में पता नहीं कौन छोड़ के गया है। ऐसे तो कार्ट रिटर्न करने का रहता है अलग से उधर, बट इधर पता नहीं कोई जल्दीबाजी में छोड़ के चला गया है, तो उसका जस्ट छोटा सा क्लिप बना लिए थे। तो अभी देख सकते हैं कुछ यहाँ पे स्नो हो रहा है, और अभी हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि अभी स्नो स्टार्ट हो गया है और हम लोग भी टायर्ड हो चुके हैं,
और थोड़ा बहुत भूख भी लगी थी, बट थोड़ा बहुत कुछ बाहर से ऐसे ही सब्बे वगैरह खा लिए हैं और घर जाके प्रॉपर डिनर करेंगे। अभी शाम का 5 बज चुका है तो अभी घर जाएंगे। और दूसरे दिन सिर्फ क्रीप के लिए हम लोगों ने एक फर्नीचर का दुकान है यहाँ पे, कुछ देखिए यहाँ पे होम फर्नीचर करके एक शॉप है, हम लोगों ने सर्च मारा था इंटरनेट पे, यहाँ पे सब कुछ है बेबी का आइटम वगैरह। तो यहाँ पे क्रीप जो है यहाँ पे आज देखेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो बुक कर देंगे। तो अभी चलते हैं किड्स वाले सेक्शन में और देखते हैं कौन सा क्रीप जो है वो फाइनल करें। यहाँ पे देखिए कुछ बेड वगैरह, ऐसा 2 मंजिल का बेड है। तो अभी हम लोग 2 मंजिल ये सब वगैरह नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरा बड़ा बेटा का भी बेड है और हम लोग अभी अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा बड़ा बेड ले नहीं सकते, तो अभी क्रीप वगैरह भी ले रहे हैं। तो ये वाले जो क्रीप जो देख रहे हैं वो जो लेडी ये कर रही है, पेपर एक्सचेंज कर रही है, वो हम लोगों ने फाइनल कर लिए हैं। मतलब ये वाला फाइनल हो चुका है कि हम लोग यही क्रीप लेंगे। ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा और ये इसको हम लोग ऐसे तो बोल रहे थे ये लोग कि 15-16 साल तक यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है, बट 12-13 साल तक जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा ये कंफर्टेबल क्रीप जो ये हम लोग को जैसा चाहिए था वो ऐसा ही है ये वाली। तो हम लोगों ने ये वाली बुक कर दिया, कलर भी अच्छा लग रहा है। मेरा बड़ा बेटा का वाइट बेड है तो सोचे थे कि वाइट वाला ही लेंगे, बट वाइट वाला मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, उसका थोड़ा लेग वगैरह जो होता है नीचे सपोर्ट वाला वो थोड़ा मेरे को वीक लगा, इसका थोड़ा मोटा मोटा और स्ट्रांग था। तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा उससे कॉस्टली था वाइट वाला से, मगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला हम लोगों ने बुक कर लिया। और थोड़ा बहुत इसका बेड शीट वगैरह मैट्रेस का और बेबी का जो आता है बेड का सेट वो लेंगे एक, और फिर बाद में शॉपिंग करेंगे। एक अभी बस ले रहे हैं और अभी हम लोगों ने वो बुक कर दिया, वो बुक करके और आज हम लोग बुक करेंगे वो और लेने आना पड़ेगा दूसरे दिन, वो ईमेल करेंगे जब फाइनल हो जाएगा, नहीं तो आज ही डेट देंगे कितने तारीख को आना है। तो हम लोगों ने बुक कर दिया वो बेड और अभी आएंगे 2-3 दिन बाद लेने के लिए उसको। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं घर, यहाँ आए ही थे हम लोग शाम को निकले थे। दूसरे दिन शाम को निकले और फिर यहाँ पे भी लौटते लौटते थोड़ी रात हो चुकी है तो अभी जाएंगे घर। आई होप आपको आज का शॉपिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय करें होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।